डिस्क्राइब व्हेन एंड हाउ द मौर्यन एम्पायर वॉज फॉर्म्ड। I am Muhammad Usman from Moonlight International Publication House and thank you for joining me here. Today I will introduce when the Mauryan Empire was established and how this empire was established in India. यानी आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मौर्य अम्पायर की बुनियाद कब और कैसे रखेगी, वो कौन से अवामल थे, वो कौन से लोग थे जिन्होंने मौर्य अम्पायर की बुनियाद रखी। Dear students, the Mauryan Empire is considered as one of the most influential and powerful empires in ancient India. यानी ancient India के अंदर मौर्यन अम्पायर को सबसे ज़्यादा powerful और influential empire जो है वो considered किया जाता है। This empire was founded by चंद्रगुप्त मौर्य around 322 BC, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको इसका बानी करार दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य laid down the foundation of this empire with the help of Kautilya Chanakya, who was a military advisor to Chandragupta Maurya, and he advised him some of the principles which he deployed at that time to defeat the Nanda dynasty. So the purpose of saying is that ki Chandragupta Maurya ne jo hai वो इंडिपेंडेंटली इसकी बुनियाद ही रखी। उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट पर्सन था, फिगर था, जिसने हेल्प किया, जिसने एडवाइस किया, जिसने इनर की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की, नंदा डायनेस्टी की वीकनेसेस के हवाले से बताया, एंड दैट फिगर वाज वी कैन से कौतलिया चाणक्या। उसको तारीख के अंदर कौतलिया चाणक्या या चाणक्या के टाइटल से जाना जाता है। सो दिस इज़ हाउ the Mauryan Empire was established. It was founded by Chandragupta Maurya with the help of Kautilya Chanakya. So now, afterward, we will have a look at the brief overview that what factors actually we can say responsible for the formation of this empire. वो कौन से मौर्यकात ने, अगर उन्हें नक्शा हमने देखना हो तो वो कौन से फैक्टर से। सबसे पहला जो फैक्टर था वो हमें नज़र आता है, द हेल्प ऑफ Kautilya Chanakya। विदाउट हिम देर वॉज नॉट पॉसिबल फॉर चंद्रगुप्त मौर्य टू इस्टेब्लिश न्यू डायनेस्टी हियर। सेकंड, हिज मिलिट्री कंक्वेस्ट। इसकी जो मिलिट्री कंक्वेस्ट थी उसने भी राह हमवार की इस अम्पायर को इस्टेब्लिश करने की। द थर्ड फैक्टर वॉज ही फोर्स्ड स्ट्रेटजिक अलाइंसिस, यानी जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ इसने लोकल अलाइंसिस जो है वो इस्टेब्लिश किए जस्ट टू डिफीट द नंदा डायनेस्टी, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त लोकली जो डायनेस्टी थी हिंदुस्तान में वो नंदा डायनेस्टी थी। सो विदाउट रिमूविंग, विदाउट डिसप्लेसिंग, डिसलोकेटिंग द नंदा डायनेस्टी, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू इस्टेब्लिश न्यू डायनेस्टी। एंड द फोर्थ फैक्टर विच वॉज आल्सो हेल्पफुल फॉर हिम टू इस्टेब्लिश न्यू डायनेस्टी, एंड दैट वॉज हिज इफेक्टिव गवर्नेंस। सो बेसिकली दीज वर द फैक्टर, दीज वर द सर्कमस्टांसिस which actually helped the Chandragupta Maurya to establish a new empire that was known as the Mauryan Empire. So with this we can conclude this topic, and we hope to see you again with the new topic of history. Thank you.